नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। आइए, परसेंटेज में हम फिर से आज एक नया टाइप का क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। लेकिन उस नया टाइप को स्टार्ट करने से पहले ना, हमने जो परसेंटेज पार्ट 24 पढ़ा था, उसमें लास्ट में हमने दो क्वेश्चन करवाया था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला, कि किसी सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरा हुआ है, उसमें से कुछ परसेंट निकालते चले जा रहे थे। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना कुछ स्टूडेंट को डाउट आ गया है। तो डाउट कहाँ पे आया है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उससे पहले मैं उस क्वेश्चन को एक बार ना उस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और एक क्वेश्चन को मैं ना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और तब फिर मैं बता रहा हूँ कि डाउट कहाँ पे बन रहा था। तो देखिए, मैं ना उस दोनों में से पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि उसमें ये था कि एक सिलेंडर है जिसका कैपेसिटी 25 लीटर है, उसमें दो तरह का गैस भरा हुआ है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बोला ये जा रहा है कि उसमें से कुछ लीटर गैस निकाला जाता है, कुछ क्वांटिटी उसमें से निकाला जाता है और उतना ही नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। फिर जो नया मिक्सचर बना उसमें से फिर से कुछ परसेंट या ये कुछ क्वांटिटी निकाला जाता है और उतना ही नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। और हो क्या रहा है कि उसमें ये बताया जा रहा है कि शुरुआत में जो ऑक्सीजन था वो 25% था और ये प्रोसेस करने के बाद उसमें जो ऑक्सीजन बच रहा है 9% बच जा रहा है। तो हमने क्या किया था, इस तरीके से किया था हमने कि भाई शुरुआत में ऑक्सीजन कितना था 25% और बाद में कितना बन गया 9%। तो हमने ये चीज़ें निकालना शुरू की, यहाँ से ये चीज़ें निकाल रहा था क्या कि भाई इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ें आता है और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ें आता है। तो अगर ये चीज़ें दिया हो, अगर ये निकालना होता था तो दो बार है तो क्या करते थे, रूट कर देते थे और ये कितना बन जाता था, 5 है और ये 3, यानी हर एक बार जो ऑक्सीजन है 5 से 3 यूनिट बन जा रहा है, यानी हर एक बार ऑक्सीजन में 2 यूनिट की कमी हो रही है। समझिएगा इसको ध्यान से, अगर ऑक्सीजन में 2 यूनिट की कमी हो रही है किस पे, 5 पे, यानी 2 यूनिट की कमी हो रही है किस पे, 5 यूनिट पे। तो परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो कितने परसेंट की कमी हो रही है, तो देखिए यहाँ पे 2, यानी ये जो 2 यूनिट है इस 5 यूनिट का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे, 2 इस 5 का कितना परसेंट है, इंटू का 100%, यही होगा। एक तरह से देखा जाए तो 40%, यही होगा, 5 से काटेंगे 20 दूनी 40%, यानी हर एक बार 40% ऑक्सीजन निकाला जा रहा है, ऐसा ही हो रहा था। तो आप समझिएगा यहाँ पे, यानी हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन शुरुआत में 5 यूनिट था और उसमें से 2 यूनिट कम हो गया, 3 यूनिट बच जा रहा था, हर एक बार ऐसे हो रहा था। लेकिन हमने क्या किया था यहाँ पे कि हमने ये बोल दिया था कि शुरुआत में सिलेंडर का कैपेसिटी कितना है, 25 लीटर। हमने इस 5 को, इस 5 को 25 लीटर से कंपेयर करवा दिया था कि ये 5 यूनिट 25 लीटर के बराबर है। तो डाउट यहाँ पे क्या बन रहा था कि सर ये जो क्वांटिटी है 5 यूनिट और शुरुआत में, ये तो ऑक्सीजन का क्वांटिटी है और उसमें से 2 यूनिट घटने के बाद 3 यूनिट जो बन जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन के साथ हो रहा है ऐसा। तो आपने इस इनिशियल जो हमारा क्वांटिटी था ऑक्सीजन का, उसको सिलेंडर के टोटल क्वांटिटी से कैसे कंपेयर करवा दिया, ये डाउट बन रहा था। तो देखिए, ये चीज़ें मैंने शुरुआत में भी बताया था, अभी एक बार और अच्छे से समझिए कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे मैं बोलूँ कि ये एक सिलेंडर है, बर्तन है, सिलेंडर नहीं बर्तन है, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ना 100 लीटर मिल्क है और 200 लीटर वाटर है। टोटल क्वांटिटी देखा जाए तो कितना बन जाएगा, 300 लीटर, ये हो गया टोटल, यानी टोटल क्वांटिटी बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस बर्तन से आप 10% क्वांटिटी निकाल दो, 10% क्वांटिटी आप निकाल दो, यानी 10% क्वांटिटी कम कर दो। तो यहाँ पे जो बर्तन है, समझिएगा आप ध्यान से, अगर मैं इसमें से 10% क्वांटिटी निकालता हूँ तो टोटल क्वांटिटी कितना है, 300 लीटर। यहाँ से अगर 10% ही निकालूंगा तो 300 का 10% कितना, 30 लीटर, 30 लीटर निकलेगा। तो यहाँ से 30 लीटर निकलेगा। अब बात ये उठता है कि देखिए, इसमें से 30 लीटर क्या निकलेगा, क्योंकि इसमें दो तरह का क्वांटिटी मिक्स है, एक तो हमारा दूध है और दूसरा पानी है। तो 30 लीटर क्या निकलेगा, इसमें से दूध निकलेगा या पानी निकलेगा। तो देखिए,
अगर हम इसमें से 10% क्वांटिटी निकाल लें टोटल में से, तो इसका मतलब यही होता है कि ये चीज़ें अलग अलग, इसमें दूध और पानी अलग अलग नहीं रखा हुआ है, इस बर्तन में मिक्स करके रखा हुआ एक घोल है दूध और पानी का। जब हम निकालेंगे इसमें से 10% तो दोनों में से 10% निकलेगा। कहने का मतलब कि जो हमारा मिल्क है यहाँ पे, इसमें से भी 10% क्वांटिटी निकलेगा, और जो वाटर है इसमें से भी 10% क्वांटिटी निकलेगा। तो देखिए, अगर 100 लीटर मिल्क है, इसका 10% कितना, 10 लीटर, तो 10 लीटर निकालेंगे तो मिल्क कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 90 लीटर इसमें मिल्क बच जाएगा। वाटर कितना है, 200 लीटर, तो इसमें से अगर 10% क्वांटिटी यानी 20 लीटर निकालेंगे तो वाटर कितना बच जाएगा, 180 लीटर। 20 लीटर हमने निकाल दिया, 200 में से 20 घटाया, तो वाटर हमारा बन गया 180 लीटर। अब मैं बोल रहा हूँ कि जितना इसमें से मिक्सचर निकाला गया है उतना ही आप इसमें पानी मिला दो, तो 30 लीटर एक तरह से मिक्सचर निकाला गया है, 10% का मतलब 30 लीटर। 30 लीटर में 10 लीटर हमारा क्या निकला, दूध, और 20 लीटर क्या निकल गया, पानी, ऐसा ही निकला है। लेकिन देखिए, ये भी 10% निकला है और ये भी 10% निकला, और टोटल क्वांटिटी में से भी 10% निकला, हर एक 10-10% निकल रहा है, लेकिन टोटल क्वांटिटी देखा जाए तो 30 लीटर निकला है। क्वांटिटी सब में से अलग निकल रहा है, इसमें से 10 लीटर निकल रहा है, इसमें से 20 लीटर निकल रहा है, और इसमें से टोटल में से एक तरह से देखा जाए तो दोनों मिलाकर 30 लीटर निकल रहा है। अब समझिए, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें उतना ही पानी मिला दो फिर से, तो 30 लीटर हमने क्वांटिटी निकाला, 30 लीटर, तो 30 लीटर फिर इसमें वाटर मिला दो, तो अब देखिए वाटर अब टोटल कितना हो गया, तो आपको हो गया 210 लीटर, ये हो गया वाटर, इतना ही हो गया। फिर से टोटल क्वांटिटी कितना बन गया, तो आप कहोगे जितना हमने निकाला था उतना ही पानी मिला दिया, तो इसका मतलब फिर से टोटल क्वांटिटी कितना है, 300 लीटर, ये टोटल क्वांटिटी है। फिर आइए समझिए, देखिए यहाँ पे, अच्छा मैं एक बात ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, मुझे एक बार देखने दीजिए, ठीक है दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, देखिए यहाँ पे। फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि फिर एक नया बर्तन बनाऊँ, अब जो भी यहाँ पे 300 लीटर फिर से क्वांटिटी है, इसमें से फिर से 10% आप घटा दो, 10% कम कर दो क्वांटिटी, तो 300 लीटर का 10% अगर हटाएंगे इसमें से, तो इसका मतलब फिर से 30 लीटर हटेगा, और फिर जब 30 लीटर कम होगा, तो इसका मतलब 30 लीटर कहाँ कहाँ से कम होगा, क्योंकि इसमें 90 लीटर दूध है और 210 लीटर पानी है, तो अब किस में से निकाले, तो फिर से वही बात आएगी कि भाई ये तो मिक्सचर है तो दोनों में से निकलेगा, अगर 10% टोटल में से निकल रहा है तो 10% हमारा दूध में से भी निकलेगा और 10% हमारा पानी में से भी निकलेगा। तो देखिए, अगर इसमें से 10% हम निकाल लें, 90 में से 10%, तो ये कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे 81 लीटर, यानी 90 का अगर 10% देखा जाए तो कितना, 9 लीटर, तो 90 में से अगर 9 लीटर घटाया जाए तो कितना बन जाएगा, 81 लीटर, ये हमारा हो गया मिल्क। अब यहाँ पे वाटर कितना है, 210 लीटर, 210 लीटर, 210 लीटर का 10% कितना बनेगा, तो आप कहोगे 21 बनेगा। अब 210 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 20 घटाएंगे तो 190 और एक और घटा दे तो 189 लीटर हमारा क्या बच जाएगा, वाटर बच जाएगा, पानी बच जाएगा। फिर हम ये बोल रहे हैं कि जितना आपने इसमें से क्वांटिटी निकाला उतना ही पानी मिला दो, तो क्वांटिटी कितना निकाला है, 30 लीटर, तो 30 लीटर हमने फिर से इसमें पानी मिला दिया, वाटर। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 9, 1 और 2, 219 लीटर, ये हमारा पानी बन गया, वाटर। फिर टोटल क्वांटिटी क्या होगा, तो जितना हमने निकाला उतना ही हमने पानी मिला दिया, तो फिर से 300 लीटर ही बन गया, 300 लीटर यही बन गया हमारा टोटल क्वांटिटी, यही हो गया। अब समझिए, जो समझने वाला पार्ट है, जो चीज़ें इस क्वेश्चन पे लगेगा, अब एक बात बताइए कि यहाँ पे देखिए, टोटल क्वांटिटी में से अगर 10% निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब जो इसमें मिल्क है उसमें से भी 10% निकाला जा रहा है, और जो वाटर है उसमें से भी 10% निकाला जा रहा है। फिर जो नया मिक्सचर बना, इसमें से फिर से हम 10% क्वांटिटी निकाल रहे हैं टोटल में से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें मिल्क एंड वाटर है, तो मिल्क में से भी 10% निकाला जा रहा है और वाटर में से भी 10% निकाला जा रहा है, तब जाके टोटल में से 10% निकल रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर 10% निकाला जा रहा है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10, अगर 10 रहा होगा तो उसमें से एक यूनिट निकाला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1 यूनिट निकाला जाएगा तो 9 बन जाएगा, 10% निकाला जा रहा है इसका मतलब 10 से 9 बन रहा है, मिल्क को हम देख रहे हैं सिर्फ अभी, तो मिल्क हमारा दो बार निकाला गया, 10 से 9 बनेगा और फिर 10 से 9 बनेगा,
ऐसा ही कुछ होगा, यानी 100 यूनिट मिल्क शुरुआत में रहा होगा और बाद में कितना बन जाएगा, 81 यूनिट। यूनिट में काम कर रहे हैं, लीटर में नहीं, भले यहाँ पे लीटर सेम आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे 100 था और 81 बन जा रहा है, तो ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि वो एक्चुअल क्वांटिटी में है और ये यूनिट में हम काम कर रहे हैं। समझिएगा, ये हमने काम किया मिल्क के लिए। फिर आइए, अब हम काम करते हैं किस पे, वाटर पे। तो देखिए वाटर पे भी यहाँ पे कितना निकाला गया, हर एक बार 10% निकाला जा रहा है, यानी वाटर जो है ये भी कितना होगा, 10 से 9 बनेगा, फिर 10 से 9, दोनों बार 10-10% निकाला गया है, यानी वाटर भी शुरू में 100 यूनिट रहा होगा और बाद में कितना बन जाएगा, 81 यूनिट। फिर आइए हम टोटल क्वांटिटी को देखते हैं, टोटल क्वांटिटी को, तो हर एक बार ये भी 10-10% निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी 10 से 9 होगा और ये भी 10 से 9 होगा, यानी ये भी शुरुआत में 100 यूनिट रहा होगा, बच कितना जाएगा, 81 यूनिट। अब समझिए सब तो बराबर ही हो गया, तो बराबर यहाँ पे हुआ है तो ऐसा नहीं समझना, ये यूनिट में है। अब यहाँ पे मिल्क शुरुआत में 100 यूनिट है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 लीटर है, तो कितना बन जाएगा, शुरुआत में अगर 100 लीटर होगा तो 100 यूनिट, यानी 100 यूनिट का वैल्यू 100 लीटर, तो 81 यूनिट का वैल्यू हम निकाल देंगे। समझिएगा यहाँ पे भी हम यही चीज़ शो कर रहे हैं कि शुरुआत में 10 यूनिट था, 9 यूनिट बन गया, यानी कितना यूनिट निकाला गया, 1 यूनिट, यानी कितना से कम किया गया, 10 यूनिट से कम, ये 1 यूनिट से कम किया गया। परसेंटेज में देखा जाए तो कितना परसेंट से कम किया गया, 10% से कम किया गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये चीज़ें कि 10 यूनिट का वैल्यू 100 लीटर होगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 10 लीटर होगा, तो 1 यूनिट निकाला जा रहा है तो इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 10 लीटर, यानी यहाँ पे 10 लीटर निकाला गया। दूसरे बार में आइए, दूसरे बार में समझिए, दूसरे बार में ये 10 यूनिट था और जब घटाया, ये कितने यूनिट से घट गया, 1 यूनिट से घट गया। तो अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कन्फ्यूजन नहीं करना है। देखिए अब जब दूसरे बार किया गया तो ये 10 यूनिट 100 लीटर के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे दूध कितना बचा है, क्योंकि यहाँ से 10% निकाल रहे हैं, ये वाला 10 से 9 ये वाला हो रहा है, तो वहाँ पे ये 90 लीटर है दूध, तो 90, 10 यूनिट का वैल्यू 90 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 9 लीटर, तो यहाँ पे अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 9 लीटर, यानी दूसरे बार में 9 लीटर निकाला जा रहा है दूध। देखिए वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आइए हमारा बात आता है अब वाटर पे, तो वाटर शुरुआत में कितना था, 200 लीटर, तो अब 10 यूनिट का वैल्यू, यहाँ पे वाटर कितना है यूनिट में, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का वैल्यू 200 लीटर, तो 1 यूनिट निकाला गया तो 1 यूनिट का वैल्यू हम निकाल के फिर कर सकते हैं। फिर दूसरे बार में वाटर 210 लीटर है, तो यहाँ पे ये 10 यूनिट का कंपेयर हम 210 लीटर से करेंगे और तब 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे और ये 1 यूनिट कितने लीटर के बराबर होगा, वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। आया समझ में ये चीज़ें। फिर देखिए टोटल क्वांटिटी अब यहाँ पे जो 10 यूनिट है शुरुआत का, वो 300 लीटर के बराबर हो जाएगा और 10% ये इसका 1 यूनिट निकाला गया, तो 10 यूनिट 300 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे और तब हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना लीटर निकाला गया। फिर दूसरे बार क्वांटिटी देखा जाए टोटल क्वांटिटी का, तो फिर से यहाँ पे 300 लीटर है, तो यहाँ पे फिर से 10 यूनिट का वैल्यू 300 लीटर, उसमें से 1 यूनिट का वैल्यू हम निकाल के ये बताएंगे तो कितना लीटर। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी सबका अलग अलग है और यही यूनिट अलग अलग, देखिए यहाँ पे भी 10 से 9 हो रहा है 10, लेकिन यही 10 यहाँ पे 100 को रिप्रेजेंट करता है, यही 10 यहाँ पे 200 को रिप्रेजेंट करता है और यही 10 यहाँ पे 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा क्वांटिटी में अलग अलग है, लेकिन एक बात बताइए, परसेंटेज की बात किया जाए तो देखिए हर एक बार हर एक में से 10% निकाला जा रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, भले क्वांटिटी अलग अलग हो जाए, परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 10% इसमें से भी निकाला जा रहा है, 10% इसमें से भी निकाला जा रहा है, 10% इसमें से भी निकाला जा रहा है, यानी हर एक को यहाँ पे मिल्क भी 10 से 9 बन रहा है, 10 से 9 बन रहा है, वाटर भी 10 से 9 बन रहा है, 10 से 9 बन रहा है और टोटल क्वांटिटी भी 10 से 9, 10 से 9 इस तरीके से बन रहा है। अब आइए इस क्वेश्चन पे, समझिएगा अब इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन था उसमें इतना सफिशियंट डेटा नहीं दिया हुआ था हमारा कि भाई हम टोटल क्वांटिटी निकाल ले कि हर एक बार कितना परसेंट कम हो रहा है, लेकिन मिल्क के कंडीशन में हमारा टोटल ये दिया हुआ था कि हर एक बार कितना परसेंट निकाला जा रहा है। तो देखिए अगर मिल्क जितना परसेंट हर एक बार निकाला जाएगा उतना ही परसेंट नाइट्रोजन भी हर एक बार निकाला जाएगा, भले क्वांटिटी सबका अलग अलग, हर एक बार जो हम ऑक्सीजन है, अच्छा एक मिनट, ये हमारा मिल्क नहीं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे काम कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में शुरू से समझिए एक बार, देखिए यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में क्या था कि इस क्वेश्चन में जो टोटल क्वांटिटी था उसके लिए डेटा सफिशियंट नहीं था कि हर एक बार कितने परसेंट से कम हो रहा है या कितना से कितना बन रहा है, ये टोटल क्वांटिटी के लिए डेटा सफिशियंट नहीं दिया हुआ था, लेकिन
ऑक्सीजन के लिए हरेक ऑक्सीजन के लिए डेटा सफिशिएंट था कि कितना परसेंट से कम हो रहा है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जितना परसेंट से कम होगा हर एक बार, उतना ही परसेंट से नाइट्रोजन भी कम होगा, उतना ही परसेंट से हमारा टोटल क्वांटिटी भी कम हो रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन के लिए ये चीज़ें तो हम निकाल लिए थे कि ऑक्सीजन हर एक बार 5 से 3 बन रहा है, तो 5 से 3 बन रहा है यानी 2 यूनिट की कमी हो रही है। 2 यूनिट की कमी हो रही है किस पे? 5 पे, यानी 2 की कमी 5 पे कितना? 40% ऑक्सीजन हर एक बार कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 40% हर एक बार नाइट्रोजन भी कम हो रहा है और 40% हर एक बार क्या हो रहा है? टोटल क्वांटिटी भी कम हो रहा है। तो हमने क्या किया था, एक स्टेप यहां से आपके रिमूव किया था कि हमने ये नहीं बताया था कि यही डेटा हमारा टोटल क्वांटिटी के लिए भी हो जाएगा। 5 से 3 हमारा ऑक्सीजन के लिए हो रहा है तो नाइट्रोजन के लिए भी होगा, टोटल क्वांटिटी के लिए भी होगा। तो टोटल क्वांटिटी के लिए भी 5 से 3 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है, तो 5 यूनिट टोटल क्वांटिटी शुरुआत में रहा होगा। क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 25 लीटर। तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 25 लीटर है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे कितना? 5 लीटर। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना? 10 लीटर। यानी हर एक बार 10 लीटर क्या हो रहा है? टोटल क्वांटिटी कम हो रहा है। अब बात यह है कि देखिए यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के लिए करते हम तो 10 लीटर हर एक बार ऑक्सीजन कम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा अलग अलग बन जाता है। हाँ, ये चीज़ें सबके लिए सेम रहेगा। हमें अगर ऑक्सीजन के लिए निकालना पर होगा तो क्या करेंगे इसके लिए कि जो भी 25 लीटर सिलेंडर का कैपेसिटी है उसमें जो भी लिक्विड भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, उसका 25% ऑक्सीजन है। तो उसमें से जो भी 25% होगा वो क्वांटिटी हम निकालेंगे। अब वो 40% से कम हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो ये 5 यूनिट है ऑक्सीजन के लिए भी होगा शुरुआत का इनिशियल क्वांटिटी 5 यूनिट, और ऑक्सीजन जो भी हमारा निकलेगा 25 लीटर है उसमें जो क्वांटिटी टोटल सिलेंडर में, उसका 25% शुरुआत में ऑक्सीजन है, तो जो भी उसका 25% होगा उस 5 यूनिट के बराबर होगा। तो 2 यूनिट कितना कम हो रहा है वो चीज़ें हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। सेम कंडीशन हमारा नाइट्रोजन के लिए भी होगा। यानी हमारा मोटिव सिर्फ ये था कि ये चीज़ें समझाना कि ये चीज़ें सब में सेम आएगा। अब देखिए एक डाउट और बन रहा होगा आप लोग को, डाउट क्या बन रहा होगा वो ये कि सर आप ना ऑक्सीजन के लिए तो ये इस क्वेश्चन इसमें देखिएगा एग्जांपल में कि मिल्क के लिए तो ठीक था सर कि मिल्क शुरुआत में 100 लीटर था बाद में 81 लीटर बन गया, तो वही चीज़ें यहाँ पे आ रहा था। दूसरा कि सर शुरुआत में जो ये हमारा दूध है, ये पानी है, सॉरी मिल्क नहीं, ये पानी है हमारा, वाटर है, ये 200 लीटर था लेकिन बाद में बन गया कितना? 219 लीटर। लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया, 100 यूनिट था 81 यूनिट कर दिया, यानी घटा ही दिया पानी को आपने। तो देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जितना हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना पानी बार बार, वो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। हमारा मोटिव क्या बन रहा है यहाँ पे कि जो भी हमारा वाटर था यहाँ पे वो हर एक बार 10% से डिक्रीज कर रहा है। देखिए जो भी यहाँ पे 200 लीटर था 10% से डिक्रीज किया, अब क्या कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे 10% से डिक्रीज करने के बाद वाटर का जो वैल्यू है उसमें क्या हुआ कि 30 लीटर हम फिर से जोड़ दे रहे हैं, पानी उसमें डाल दे रहे हैं। अब जो भी यहाँ पे क्वांटिटी बना वो फिर से 10% से डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा सिर्फ मोटिव ये था यहाँ पे समझाना कि देखिए हर एक बार पानी क्या है 10% से डिक्रीज कर रहा है, वाटर यहाँ पे 10% से डिक्रीज कर जा रहा है। सेम कंडीशन हमारा किसके लिए, टोटल क्वांटिटी के लिए भी हो रहा है कि जितना टोटल क्वांटिटी था हर एक बार 10% से डिक्रीज कर रहा है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी दिखाया। तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि सर शुरुआत में ज़्यादा था बाद में कम हो गया, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो शुरू में जितना था अभी भी उतना ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक बार उसमें से निकालने के बाद मिला भी दे रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमारा सिर्फ समझाने का एक ही ये चीज़ है कि हर एक बार कितना परसेंट से कम हो रहा है। तो हर एक बार कितना परसेंट से यहाँ पे कम हो रहा है, 10% से कम हो रहा है। वही चीज़ें ये शो कर रहा है कि हर एक के लिए वह सेम होगा, वही सी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे क्वेश्चन को निकाल लिया था, ठीक है ना। तो हम ये चीज़ें का उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसी डेटा को यूज करके, हमने टोटल क्वांटिटी पे भी यूज करके हमने ये चीज़ें निकाल लिया। तो चलिए जिनको ये चीज़ें नोट करना है आप इनको नोट कर लीजिए। अच्छा एक बात और, देखिए मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को जो डाउट था वो डाउट आपने पूछा है। इसी तरह से अभी भी किसी को डाउट बनता है कहीं पे भी, तो आप ये चीज़ें डाउट पूछ लिया कीजिए, मैं बता दिया करूँगा इस चीज़ों का। अच्छा इतना डिटेल में मैं उस समय इसलिए नहीं गया था क्योंकि देखिए आप लोग ना उतना सीरियस होकर देखते नहीं है कि चलो चलो फटाफट जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। अगर इतना डिटेल अगर हर एक बार बताने लग जाएंगे ना तो होगा क्या कि बोरिंग बनने लग जाएगा आप लोग का ये वीडियो, लगेगा कि यार सर कितना डिटेल में लेकर जा रहे हैं सिंपल चीज़ों को। तो इतना हम डिटेल में अगर ये चीज़ें हम देखें ना कि यहाँ पे जो डाउट बन रहा था
कि ये चीज़ हम शुरू में ही बता रखे हैं। अगर आप लोग वहाँ पे देख रहे होंगे शुरुआत में जो परसेंटेज पार्ट 23 बना है, वहीं से ये डाउट क्लियर हो जाता आप लोग को, लेकिन वहाँ पे आप लोग सही से देखे नहीं होंगे इसलिए ये डाउट बन गया और इसलिए मुझे इतना डिटेल में बताना पड़ गया है, ठीक है ना। तो कोई नहीं, आप लोग को जहाँ पे भी डाउट बने ये चीज़ें पूछिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें मिलेगा, जब भी एक्सप्लेन करूंगा जो डाउट बन रहा है, तो अगला वीडियो जो हम बनाएंगे ना तो उसके शुरुआत में ही ये चीज़ आप लोग को बता दिया करूंगा मैं। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। अब जो हम टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी सिमिलर टाइप है, इसी तरह का टाइप है जो परसेंटेज में हमने शुरुआत में एक टाइप किया था। उसमें ये बोला था कि कोई नंबर, जैसे पॉपुलेशन वाला हमने क्वेश्चन परसेंटेज में किया था, या फिर ये बोलते थे कोई नंबर है, पहले 10% से घटा, फिर 20% से घटा, फिर 30% से घट गया, तो बताओ शुरुआत में इतना था तो बाद में कितना बन जाएगा, या बाद में इतना है तो शुरुआत में कितना रहा होगा, बस उसी बेस पर हमारा क्वेश्चन जाएगा। ये क्वेश्चन किस तरह का होगा, जैसे बोलेगा कोई व्यक्ति है और ना उसके पास कुछ पैसे हैं या कुछ इनकम हो रहा होगा उसका, तो बोलेगा उसमें से कुछ परसेंट, यानी जितना भी उसका इनकम हो रहा है उसमें से कुछ परसेंट या कुछ रुपए वो खर्च कर दिया, अपने वाइफ को दे दिया, कुछ रुपए या कुछ परसेंट उसका उसने गर्लफ्रेंड को दे दिया, कुछ जो बचा उसमें से अपने लड़के को दे दिया, इस तरह से बोलेगा। या फिर बोलेगा कि कुछ खाने पे खर्च कर दिया, कुछ हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, इस तरह से डेटा दिया हुआ रहेगा। तो बोलेगा कि बताइए शुरुआत में उसके पास इतने पैसे थे तो लास्ट में कितने बच गए, या फिर लास्ट में कोई इतने थे तो शुरुआत में कितना रहा होगा। इस तरह का जो टाइप बन रहा है इस पर दो तरह का क्वेश्चन आता है। दो तरह का क्वेश्चन कैसे आता है उसको एक बार ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति के पास जो भी पैसा रहा होगा इनिशियल में वो अपने आप में 100% रहा होगा, ऐसे ही रहा होगा। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए उस व्यक्ति के पास जितना भी पैसा था उसका 10% उसने फूड पे खर्च कर दिया, खाने पे खर्च कर दिया। अब फिर बोल रहा है कि उसके पास जितना भी निसल में पैसा रहा होगा उसका 20% उसने हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, टोटल का जितना शुरुआत में रहा होगा। फिर बोल रहा है कि ना उसके पास जितना भी पैसा रहा होगा शुरुआत में उसका वो मान लेते हैं 30% उसने ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया, ठीक है ना, कि ट्रैवल कहीं किया था उस पर 30% टोटल का। और फिर बोल रहा है कि उसने ना इंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया कुछ पैसे, कितना मान लेते हैं फिर से 30% इंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया टोटल का, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बताइए उसने टोटल कितने परसेंट पैसा खर्च कर लिया अपना, तो 30, 30, 60 और 20, 80, 10, 90% उसने अपने पास जो भी पैसा था उसका 90% उसने खर्च कर लिया। तो अब मुझे ये बताइए उसके पास कितना पैसा बच गया, तो आप सीधा कहोगे 10% पैसा बच गया, यही उसके पास रिमेनिंग रह गया। क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि भाई उसके पास ना 200 रुपया बच गया, ऐसा बोल दिया। तो क्वेश्चन बोल रहा है 200, हमने निकाला तो परसेंटेज में कितना निकला 10%, तो 10% का वैल्यू 200। तो क्वेश्चन ये बोल देगा कि उसके पास ये बताओ इनिशियल में कितने पैसे रहा होगा, तो 10% का वैल्यू 200, तो 100% का वैल्यू कितना, तो देखिए ये 10 गुना हो रहा है तो इधर भी 10 गुना होगा, यानी शुरुआत में उसके पास कितना रुपया रहा होगा, 2000 रुपया रहा होगा। एक टाइप तो ये बनता है। दूसरा टाइप क्या बनता है उसको एक बार समझिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। दूसरा टाइप हमारा इस तरह का बनता है, जैसे बोलेगा उसके पास 100% रुपया रहा होगा शुरुआत में, ठीक है, उसमें से उसने क्या किया 10% यानी 10% फूड पे खर्च कर दिया, 10% से पैसा कम हो गया उसका, इसलिए मैंने नीचे की तरफ फेरो लगा दिया है, तो बच कितना गया उसके पास 90% 90% उसके पास रुपया बच गया। अब क्वेश्चन ये बोलेगा कि जो रिमेनिंग बच गया यानी 90% उसका, यानी जो रिमेनिंग बचा उसका 50% उसने इंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, इसका 50%। तो देखिए 90% है यानी एक तरह से 90 है उसका, 50% कितना बन जाएगा 45%। तो 45% उसने खर्च कर दिया किस पे, इंटरटेनमेंट पे, तो बच कितना गया उसके पास 45% ही तो बच गया। फिर बोलेगा जो पैसा बच गया उसका, यानी जो पैसा बच गया 45% उसका 20% उसने अपने वाइफ को दे दिया, तो इस 45% का 20% कितना, तो इसका 10% 4.5, तो 20% कितना 9, यानी 9% इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 36% पैसा उसके पास बच गया। तो क्वेश्चन बोलेगा कि ऐसा है कि
उसके पास जो लास्ट में जो बचा है ना पैसा, वो 360 रुपया के आसपास बचा है, और हमने कितना निकाला, 36% बची है। तो इस 36% का वैल्यू 360, तो 100% का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक तो क्वेश्चन ये था कि टोटल का हमेशा बताएगा कि टोटल का 10%, टोटल का 20%, टोटल का 30%, तो उस केस में हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं और ये हमने निकाल लिया कि टोटल खर्च कितना हो गया। लेकिन इस वाले कंडीशन में जब रिमेनिंग का खर्च करेगा कि जो रिमेनिंग बच गया उसका कुछ परसेंट खर्च कर रहा है, फिर जो रिमेनिंग बच गया उसका कुछ परसेंट खर्च कर रहा है, तो हमारा ये मेथड चलेगा। अब देखिए, ये पहला मेथड जो है उसी तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा जो पहले पीछे था कि भाई 10% अगर बना है तो इसको, तो एक तरीका ये है, अच्छा समझिए एक बात और, कि एक तो तरीका ये है निकालने का, एक तरीका ये भी तो है कि अगर 10% से घटा है तो 10 से 9 हो जाएगा, फिर जो पैसा बच गया उसका 50% से घटा, तो 50% यानी 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/2, यानी 2 रहा होगा तब कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 खत्म कर दिया उसमें से खर्च कर लिया। तो फिर बोल रहा है 20% से फिर घट जा रहा है, यानी 20% फिर से खर्च करता है, 20% से डिक्रीज करेंगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 रहा होगा, 1 यूनिट खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इस तरीके से भी बचेंगे, इसको सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, इस सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, यानी शुरुआत में इतना था, बच इतना गया। तो जो भी क्वेश्चन बन रहा है 360 रुपया बच गया, तो इतने यूनिट का वैल्यू 360 के बराबर है, तो इतने यूनिट का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम ये भी तरीका लगा सकते हैं, ये तरीका लगा सकते हैं। ये तरीका बेस्ट कहाँ पे होगा, ये तरीका वहाँ पे काम ही नहीं करेगा। किस कंडीशन में, जैसे यहाँ पे 10% के जगह पे दे दे 16 2/3% रुपीज कहाँ पे खर्च कर दिया, फूड पे खर्च कर दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू बचेगा ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा करना। फिर बोल देगा जो भी यहाँ पे बचा है उसका 14 2/7% इंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया। तो उस कंडीशन में ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेटिव बना देगा। लेकिन ये मेथड कि 16 2/3% का फ्रैक्शन कितना, जितना भी होता है इतना से इतना बन जाएगा, इतना से इतना बन जाएगा, इतना से इतना बन जाएगा, ये मेथड यहाँ पे काम कर जाएगा। तो आ गया समझ में। तो ये था बेसिक इस क्वेश्चन का। अब क्या करते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए, दोनों तरह का क्वेश्चन मैं दूंगा वहाँ पे, और उसको बनाना है। तो वो रहा पहला क्वेश्चन, उसको बनाइए आप एक बार। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास इनिशियली में कुछ उसका इनकम रहा होगा, बोल रहा है उसमें से वो 40% अपने वाइफ को दे देता है, और जो पैसा बचा, अब जो रिमेनिंग बच गया, उसमें से 20% हर एक बच्चे को देता है, यानी 3 बच्चे हैं उसके पास और हर एक को 20% दे देता है जो बचा हुआ है उसमें से। फिर बोलता है इसके बाद जो बचा उसका 50% उसने मिसलेनियस कुछ सामान खरीद रहा है उस पर उसने खर्च कर दिया, और इसके बाद जो बच गया वो कितना बचा हुआ है, 12,000 रुपीज बचा हुआ है। तो बोल रहा है इनिशियली में उसके पास कितना था पैसे, वो चीज़ आप फाइंड आउट करके बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों तरीका लगाकर बना सकते हैं, तो मैं एक बार बताता हूँ दोनों तरीका से। देखिए उसके पास 100% रुपया रहा होगा, उसमें से उसने 40% किसको दे दिया, तो आप कहोगे सर वाइफ को दे दिया, घरवाली को दे दिया उसने। बच कितना गया, 60%। अब देखिए 100% था, 40% से घट गया, 60% बच गया। फिर बोल रहा है कि उसने 20% करके 3 बच्चों में जो पैसा बचा हुआ है, इस पैसे का 20% एक बच्चे को, 20% दूसरे बच्चे को, और 20% तीसरे बच्चे को दिया। यानी एक तरह से कहा जाए तो 60% रुपया दिया 3 बच्चों में। तो यहाँ पे हमने लिखा 60% से ये पैसा फिर से घट गया, किसको दे दिया, सन को, बच्चे को दे दिया। तो 60% कितना होता है, 36, यानी 36% इसमें से निकाल दो तो बच कितना गया, 24%, यानी इसके पास अब 24% रुपया बच गया। फिर बोल रहा है कि जो भी पैसा बचा उसका 50% उसने मिसलेनियस आइटम खरीदने के लिए खर्च कर लिया, तो इसका 50% कितना, यानी जो भी होगा इसका हाफ बन जाएगा, आधा, यानी 24% है तो 12% उसने खर्च कर लिया फिर से, तो बचा कितना इसमें से, 12%, यानी फाइनली उसके पास 12% रुपया बच गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना बचा है, 12,000 रुपया, 12,000 बचा हुआ, यानी 12% का वैल्यू कितना बन जाएगा, 12,000। तो 100% का वैल्यू कितना बनेगा, तो देखिए इधर कितना टाइम्स हो रहा है, तो आप कहोगे कि इधर हो रहा है 1, 2, 3, 1000 टाइम्स हो रहा है, तो इधर भी 1000 टाइम्स हो जाएगा, तो 1, 2 और 1, 2, 3, यानी शुरुआती में जो उसका इनकम था कितना था,
1 लाख रुपया था। देखिए, या तो इस तरीके से निकालिए, नहीं तो मैंने दूसरा भी तरीका बताया है क्या, कि 12,000 कितने परसेंट के बराबर है, वो परसेंटेज वैल्यू नीचे, और निकालना कितना आपको शुरुआती इनकम। तो शुरुआती इनकम कितना था, 100% था, तो 100% हम निकाल लें। तो ये परसेंटेज साइन से ये परसेंटेज साइन कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1000 इंटू का 100, तो ये बन जाएगा आपका 1 लाख। ये हमारा 1 लाख रुपया उसका शुरुआती इनकम रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं, इसको फिर दूसरा मेथड भी लगा कर बना लेते हैं। तो देखिए, इधर इस तरफ मैं बना रहा हूँ दूसरे मेथड से। समझिए, 40% शुरुआत में खर्च कर रहा है। तो देखिए, अब मैं ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हम, परसेंटेज हमारा खत्म हो रहा है अब, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट अब आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, 40% मतलब 2/5 यही बनेगा, यानी शुरुआत में 5 यूनिट रहा होगा, उसका 40% खर्च कर दिया, यानी 2 यूनिट खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 3 यूनिट, इतना ही बचा। फिर बोल रहा है जो पैसे बच गया उसका 60% उसने फिर से खर्च कर दिया, 60% मतलब 3/5, अगर 5 यूनिट रहा होगा तो उसमें से 3 यूनिट खर्च कर दिया, बचा कितना, 2 यूनिट। तो 5 था, अब बच गया 2 यूनिट। फिर बोल रहा है कि जो पैसा बचा उसका 50% मिसलेनियस सामान खरीदने पर खर्च कर दिया, तो 50% मतलब 1/2, 2 यूनिट रहा होगा, 1 यूनिट खर्च कर दिया, बचा कितना, 1 यूनिट, तो 2 से 1, यही था। हम क्या करते हैं भाई, कुछ कटने वाला है तो काट भी देते हैं, और नहीं काटते हैं, यहाँ पे सिंपल 50-60 बन रहा है, तो इजीली था, 5 25 2 50, काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 से यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा, लेकिन 0 है तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कर देगा, इसलिए हमने 50 ही रख लिया। यहाँ पे बन कितना जाएगा, 3 2 6, ये शुरुआती इनकम था, और ये बाद में जो बच गया वो था उसके पास पैसे, यानी शुरुआती पैसे ये था, बच गया वो ये था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे हिसाब से बचा कितना, 6 यूनिट। क्वेश्चन कितना बोल रहा है बचा, 12,000, यही होने का। तो 12,000 का वैल्यू कितना बन जाएगा, ये 12,000 अगर 6 यूनिट के बराबर है तो 6 यूनिट नीचे, निकालना कितना आपका, 50 यूनिट, 50 यूनिट काटेंगे तो 6 2 12, 2000 × 5, 5 2 10, 1 2 3, और इधर का यहाँ से भी हमारा क्या आ गया, 1 लाख रुपया आ गया। तो जो भी मेथड आपको आसान लगता है, हालांकि इस मेथड से ये मेथड इजी हो जाता है, ठीक है ना, ये मेथड दोनों पे काम करेगा, जब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला वैल्यू दे देगा तभी ये मेथड इजीली बनेगा, और बाकी हमारा इस वाले वैल्यू पे भी ये मेथड इजी बनता है। तो बाकी आपकी मर्जी है, जैसे बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो चलिए करिए क्या, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, और नोट करने के बाद फिर से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो उसको बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दूसरे वाला क्वेश्चन है, एक तो हमारा रिमेनिंग वाला क्वेश्चन था जो अभी हमने एक पहला क्वेश्चन किया, और एक हमने बताया था कि टोटल में से खर्च करेगा, उसी पे ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति का जो भी इनकम था उसमें से उसने 10% ये 40% यानी 40% खर्च किया फूड पे, खाने पे खर्च कर लेता है। फिर बोल रहा है 20% खर्च किया हाउस रेंट पे, घर के किराए पे 20% खर्च कर लिया, टोटल का 20%। अब रिमेनिंग का 20% यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि जो शेष बच गया उसका 20%, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो इसका मतलब टोटल जितना भी होगा उसका 20% वो घर के किराए पे खर्च करता है। फिर बोल रहा है कि जो मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट पे कितना खर्च करता है, 10%, ये भी टोटल का ही है। और ट्रैवलिंग पे कितना खर्च करता है, 10%, ये भी टोटल का ही है। यानी एक तरह से देखा जाए तो टोटल कितना उसने खर्च कर लिया 100% में से, ऐसे ही तो हमने बताया था आपको, 100% था, उसमें से उसने फूड पे खर्च किया 40%, रेंट पे खर्च किया 20%, और ये इंटरटेनमेंट पे खर्च किया 10%। फिर देखा जाए तो ट्रैवलिंग पे खर्च किया कितना, 10%, यानी सब मिला के कितना खर्च कर लिया उसने, ये देखिए 40, 20, 60 और 20, 80, यानी 80% उसने खर्च कर लिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मन में ही हो जाता है, तो बचा उसके पास कितना, 20%। क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 1500, यानी ये 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 के बराबर। तो बोल रहा है उसका इनकम कितना था, यानी ये 100% आपसे पूछ रहा है। तो 1500 20% के बराबर है, तो 20% नीचे हमें निकालना कितना है, 100%, तो वो मल्टीप्लिकेशन में, इससे ये कटेगा, 20 से काटेंगे, 20 × 5 = 100, 15 × 5 = 75, यानी 7,500 रुपया उसका इनकम था शुरुआत में।
तो करिए क्या, इसको नोट करिए, और नोट करने के बाद फिर से वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। आइए समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 35% यानी 35% खर्च करता है किस पे, खाने पे, फूड पे खर्च कर देता है। और फिर बोल रहा है जो इंटरटेनमेंट पे, ये एजुकेशन पे खर्च करता है, चिल्ड्रंस के एजुकेशन पे कितना खर्च करता है, 25%, तो रिमेनिंग का नहीं खर्च कर रहा है। शुरुआत में जो भी 100% होगा उसका 35% उसने फूड पे खर्च किया, और फिर उसी 100% का 25% किस पे खर्च कर दिया, उसने एजुकेशन पे खर्च कर दिया। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो अब बच गया उसका 80% उसने हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, तो बोला उसके पास कितने परसेंट पैसा बच गया। इस क्वेश्चन में ना दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है। तो समझिए जो भी शुरुआत में 100% पैसा रहा होगा उसी का 35% भी खर्च किया और उसी का 25% भी खर्च किया। तो एक तरह से देखा जाए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि 60% टोटल का खर्च किया गया है, क्योंकि रिमेनिंग यहाँ पे यूज नहीं किया गया इस दोनों के लिए। यानी शुरुआत का ही दोनों का 35%, यानी इसी का 35% और इसी का 25%, देखा जाए तो कितना, 60% खर्च किया गया। तो जो भी था उसका 60% उसने खर्च कर दिया, तो बच गया कितना, 40%। ये जो खर्च किया गया है फूड पे और एजुकेशन पे, पढ़ाई पे खर्च किया गया है। अब बोला जो बच गया यहाँ पे उसका 80%, इसका 80% उसने खर्च किया किस पे, रेंट पे, घर के किराए पे। तो 40 का 80%, तो 40 का 10% कितना भाई, 4, तो 80% कितना, 8 गुना, तो 4 8 32, इसमें से 32% उसने खर्च कर दिया, तो बच कितना गया, 8%। यही क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि बताइए उसके पास लास्ट में कितने परसेंट पैसा बच गया, तो 8% बच गया। अगर उस मेथड से भी करना चाहते हैं तो वो भी आसान है कि भाई शुरुआत में कितना खर्च किया गया है, 60%, 60%, तो 60% मतलब 3/5, 5 रहा होगा, 3 खर्च किया, कितना बच गया, 2 बच गया। फिर बोल रहा है कि जो बच गया उसका 80%, 80% मतलब 4/5, यानी 5 रहा होगा, 4 खर्च कर दिया, तो बचा कितना है, 1 बच गया, तो 25 था और लास्ट में बच कितना गया, 2 बच गया। तो कितने परसेंट बचा है, तो हम यही निकालेंगे जो लास्ट में जो 2 बचा है, शुरुआत वाले वैल्यू 25 का कितना परसेंट है, तो 2 ऊपर 25 नीचे इंटू का 100, 25 चौके 100, 4 दूनी 8% रुपया बच गया। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ये सब आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको नोट करिए, और नोट करने के बाद फिर से जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन आसान सा ही है। बोल कह रहा है कि एक व्यक्ति का कुछ मंथली इनकम होगा, उसमें से वो क्या करता है, जो 30% है फूड पे खर्च कर लेता है, खाने पे खर्च कर लेता है, और जो भी बचता है उसका 40% वो वाहन पे और कपड़े पे खर्च कर लेता है, जो बचा हुआ है उसका 40%। फिर इसके बाद जो भी बचा उसका 50% वो बचाता है, यानी उसका 50% वो खर्च कर लेता है और 50% बचा लेता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो उसका इनकम था शुरुआत में 18,400 रुपये था, यानी 18,400 रुपीज उसका इनकम था, तो बोल रहा है कि बताइए वो हर एक महीना कितना रुपया बचा लेता है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए क्या बोल रहा है। 100% उसका रुपया था, उसमें से 30% उसने क्या किया, खर्च कर दिया, तो 30% खर्च किया तो बचा कितना, 70% बच गया। 30% किस पे खर्च किया, फूड पे। इसके बाद इसका 40% उसने खर्च कर दिया वाहन पे और कपड़े पे, इसी पे खर्च कर दिया। तो 70 का 40%, 7 चौक 28, 28 खर्च कर दिया, तो बच कितना गया आपका, 42%, 42% बच गया। अब बोला ये जा रहा है कि जो भी ये 42% बचा है, क्योंकि इसमें से 40% खर्च कर दिया, यानी 28% हटा दिया उसने, कहीं पे खर्च, इस पे खर्च कर लिया वाहन पे और कपड़े पे, तो जो बच गया 42% उसका वो 50% बचाता है, यानी इसका भी 50% वो कहीं खर्च कर देता है। ये नहीं बताया गया किस पे खर्च कर रहा है, सिर्फ ये बोल दिया जा रहा है कि जो भी ये वैल्यू है लास्ट में बचा उसका 50% बचाता है, यानी 21% लास्ट में उसका सेविंग हो जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि शुरुआत में जो उसका इनकम था 18,400 था, तो 21% का कितना बनेगा, यानी लास्ट में जो बचाता है वो कितना बनेगा, वो चीज़ें बताइए। तो देखिए
18,400 कितने परसेंट के बराबर है? तो आप कहोगे 100% के बराबर, तो 100% नीचे। हमें निकालना क्या है? 21%, तो 21% हमने मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। अब देखिए यहाँ से ये से परसेंटेज साइन से ये परसेंटेज साइन कट जाएगा, इस दो से ये दो हमारा कट जाएगा जीरो, ये दो जीरो से ये दो जीरो। अब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 चौक 84। अच्छा एक बात और बताइए, यहाँ पे अगर ऑप्शन दे दिया जाता आपको क्वेश्चन में तो यहाँ पे आपको दिख सकता था कि नहीं, सात है इसमें 21 में और सात कट नहीं रहा है भाई। यहाँ पे 184 गुने 21 है, 184 into 21। ये सब कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं पड़ता आपको। 7 है यहाँ पे, तो 7 हमारा किस में आ जाएगा? जो भी आंसर आएगा वो 7 का डिविजिबल बनेगा। क्लियर है ये चीज़ें? तो हमें करना क्या है, अगर ऑप्शन होता तो हम चेक कर सकते थे वहाँ पे ये चीज़, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 21 चौक 84, 21 अट्ठे 168 और 8 176, यानी 6 बच कितना गया आपका? 17। 21 और 17 हमारा 28 10 38, 3900 कितना आ जाएगा? 64 रुपया उसका लास्ट में इतना वो सेविंग कर ले रहा था इतना इनकम में से। आया समझ में? देखिए इस क्वेश्चन को हम उस मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए आपको मैं एक बार करके बता ही देता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे इस चीज़ों को खुद से। देखिए 30% खर्च कर रहा है शुरुआत में, तो 30% मतलब 3/10। अगर 10 यूनिट इनकम रहा होगा तो 3 खर्च कर देता है तो बचेगा कितना? 7। 40% मतलब 2/5, 5 था 2 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 3। 50% मतलब 1/2, तो 1/2 था 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? ये वैल्यू बच गया। ऐसा समझ में? 10 × 50 × 100 और यहाँ पे 7 × 21 वही चीज़ आ गया। शुरुआत में 100 यूनिट था, लास्ट में बचा कितना है? 21 यूनिट, तो 100 यूनिट का वैल्यू 18,400, तो 21 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना। वही चीज़ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे परसेंटेज हटा दे तो सेम कैलकुलेशन हमारा बन जाएगा। तो चलिए इसको नोट करिए, और नोट करने के बाद फिर से वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। चलिए देखिए आप लोग समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए मैं बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही एक तरह से कहिए कि दिल से पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए हर एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। तो देखिए अगर आप लोग ये चीज़ें फ़ायदा उठा रहे हैं तो करिए क्या, आप लोग मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ों के लिए कि आप अपने दोस्तों के बीच में भी सर्कुलेट कीजिए ये चीज़ों की, हाँ कि मैथ्स माउंटेन चैनल पर जितेंद्र सर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक बार आप वीडियो देखो, ठीक है ना? तो होगा क्या कि आपका फ़ायदा तो हो ही रहा है, आपको दोस्त लोग को भी ये चीज़ें फ़ायदा होगा, ठीक है ना? देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति का कुछ इनकम रहा होगा, उसमें से वो 40% बुक को खरीदने में खर्च करता है, किताब को खरीदने में खर्च कर देता है। अब जो बच गया उस बचे हुए में से वो क्या करता है, जो 50% यानी आधे पैसे जो है वो किस में खर्च कर देता है? स्टेशनरी चीज़ों को खरीदने में। इसके बाद कुछ उसका रिमेनिंग बच जाता होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लास्ट में वो 160 रुपया बचाता है, जो जितना भी लास्ट में जितना परसेंट बचा उसका 1/3 वैल्यू है। तो बोल रहा है कि उसका इनिशियल इनकम क्या था, वो चीज़ें आप बताइए। समझिए 100% उसका इनकम रहा होगा शुरुआत में, उसमें से वो खर्च कितना करता है? 40% किस पे? बुक पे, किताब खरीदने में। तो बच कितना गया? 60% बच गया कि नहीं बच गया बताइए। अब बोला ये जा रहा है कि जो भी अब यहाँ पे बच गया उसका आधा पैसा यानी 50% वो खर्च कर देता है स्टेशनरी आर्टिकल्स खरीदने में। तो फाइनली बच कितना गया? 30% बच गया, इतना बच गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन 160 रुपया वो हर एक महीना बचाता है, ऐसा ही बोल रहा है। जो लास्ट में जो बचा हुआ है यानी ये दोनों सामान खरीदने के बाद जो भी पैसा बच गया ये 30% उसका 1/3 है ये, यानी जो 30% है, समझिएगा जो 30% है उसका 1/3 कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 10% बनेगा। ये जो 10% बना वो इसके बराबर है। तो देखिए 10% का वैल्यू कितना? 160, तो 10% नीचे। हमें निकालना क्या? टोटल इनकम कितना? 100%, तो 100% हमने यहाँ पे लिख दिया। ये परसेंटेज साइन से ये परसेंट, 10 से 10 कितना बन गया? 1600 रुपया उसका इनिशियल इनकम था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बाकी दूसरा तरीका आप खुद ही ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो ये टाइप भी आज आपका कंप्लीट हो गया, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप में भी हम परसेंटेज चलेंगे, ठीक है ना, तो उसमें हम कुछ अलग टाइप स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा दो चार क्लास और चलेगा परसेंटेज का। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ये सोचकर पढ़ा रहा हूँ कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि परसेंटेज में हम दूसरे दूसरे टॉपिक का भी क्वेश्चन यहाँ पर कवर करते हुए हम चल रहे हैं। आपको अभी पता नहीं चल पा रहा है, जब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये चीज़ तो हम परसेंटेज में ही पढ़ रहे थे, बस वहाँ पर क्वेश्चन कुछ और था, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और बना दिया। सेम प्रोसेस सब कुछ यही होगा। तो आप इस चीज़ों के लिए मत घबराइएगा कि सर इतना दिन से परसेंटेज ही चला जा रहा है। ये देखिए अर्थमेटिक का बेस है ये टॉपिक। अर्थमेटिक जो आप पढ़ते हैं एडवांस होता है, अर्थमेटिक होता है एसएससी के लिए। बैंकिंग में तो सिर्फ अर्थमेटिक ही होता है। तो होता क्या है कि जो भी अर्थमेटिक पढ़ते हैं उसका पूरा बेस है यहाँ पे। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए ना तो बाकी टॉपिक आपका यूं ही खत्म हो जाएगा। और बहुत सारा टॉपिक का क्वेश्चन मैं इसी चैप्टर में आपको करते चला जा रहा हूँ। अभी आपको क्वेश्चन से पता नहीं चलेगा, जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे लगेगा इसी क्वेश्चन को हम वहाँ पे इस तरीके से कर रहे थे, अब यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं, क्वेश्चन अलग हो जाएगा बस। तो चलिए करते क्या है, आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हम आपको नेक्स्ट क्लास में।